मास्टर सिलेंडर और ये सब कुछ मतलब चेंज होगा। और भाई स्टॉक इंस्टॉल होगा, ये वाला इंस्टॉल होगा। तो भाई देख ही सकते हो इधर एक ये वाला पार्ट एकदम खुल चुका है। और भाई फॉग लाइट, ये वाला फॉग लाइट इंस्टॉल करूँगा, ठीक है। ये इसको इधर ऐसे देख लो एक बार फिल्टर का कंडीशन, ठीक है। मैं रात के टाइम आपको दिखा दूंगा कि लाइट कैसा आ रहा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। तो वही कहते सब, मैं संजय, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल संजय मोटो ब्लॉग। तो बड़े दिनों बाद भाई बहरमपुर के सड़कों पे मोटो ब्लॉग करते हुए आपका संजय मोटो ब्लॉग। और भाई अभी फुल पावर बाइक लेकर निकल पड़े हैं। कहाँ जा रहा हूँ भाई? खर्चे करने, ठीक है, खर्चा। तो भाई खर्चा करने जा रहा हूँ क्योंकि दुर्गा पूजा आ रहा है। तो मैंने तो आपको बोला ही था भाई ड्यूक पे थोड़ा काम कराएंगे। अब थोड़ा काम कराओ या ज़्यादा काम कराओ, भाई खर्चा तो भाई होना ही है। थोड़ा कम का भाई ज़्यादा खर्चा, और ज़्यादा काम का भाई उससे भी ज़्यादा खर्चा होता है मेरे ड्यूक पे। तो आपको तो सब पता ही है। और अभी सीन कुछ ऐसा है कि आज भाई काम कराऊँगा बोले तो ये क्लच लीवर एंड ब्रेकिंग सिस्टम, मतलब पूरा मास्टर सिलेंडर बैम्बो किट जो लगा हुआ है मेरे बाइक पे, वो सब कुछ एकदम चेंज कर दूंगा, स्टॉक लगाऊंगा, ठीक। और फिलहाल मुझे ये समझ में आ रहा है कि ठीक है अभी मैं भूल गया, और अभी से हर एक वीडियो पे मतलब ऐसा ही कर रहा हूँ। तो सब कुछ ठीक ही है अभी, होप फॉर द बेस्ट। क्या होता है दुर्गा पूजा के बाद प्लान, मतलब दिल है कि कहाँ एक छोटा मोटा राइड पे जाऊँ, लाइक 2 या 3 दिन का 100-1000 किलोमीटर के अंदर। लेकिन क्या होगा कुछ पता नहीं, क्योंकि दुर्गा पूजा का पहले ही बहुत खर्चा हो रहा है सुंदरी को लेके, ड्यूक को लेके अभी भी खर्चा है बाइक पे। आज के बाद भी भाई टायर चेंज करना पड़ेगा, तो टायर का आप लगा लो 8-9 हज़ार तो भाई लगेगा अगर मैं नॉर्मल लगाऊं तो MRF का। और मैं भाई ये वाला काम शोरूम से नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि भाई शोरूम पे बहुत ज़्यादा चार्ज करेगा। तो मैं ये काम कर रहा हूँ भाई मेरे ही दोस्त सारद से। सारद भाई एकदम प्रॉपर सब कुछ खरीद के रखा। और एक बात, मैं ड्यूक 390 का जो स्टॉक ओरिजिनल स्टॉक होता है एडजस्टेबल क्लच, वो मैं नहीं लगा रहा हूँ भाई, क्योंकि एडजस्टेबल का प्राइस थोड़ा हाई है। ड्यूक 250 का इंस्टॉल करूँगा, और सामने में ही है सारद का गैरेज। तो और भाई फॉग लाइट भी इंस्टॉल होगा, तो देखता हूँ क्या होता है। होप करता हूँ कि सब बहुत जल्द हो जाए, लेकिन नहीं तो भाई आज भी खाना वाना सब, मतलब खाना वाना का सब क्या ही बोलूँ, सीन क्लोज हो जाएगा। कल तो भाई सुंदरी को लेके था, और अभी मुझे वीडियो पब्लिश भी करना है। वीडियो में 11 बजे डालता हूँ, लेकिन वीडियो का टाइम अभी हो रहा है भाई 11:30 वो वही है सारा इधर, मतलब इधर ही मेरा काम होगा। तो चलो थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। बाइक पे काम स्टार्ट हो चुका है, देख ही सकते हो। बेसिकली ये सब रिमूव होगा, एंड ये वाला क्लच लीवर, ये वाला पूरा सेट चेंज होगा, एंड ये वाला मास्टर सिलेंडर और ये सब कुछ मतलब चेंज होगा। और भाई स्टॉक इंस्टॉल होगा, ये वाला इंस्टॉल होगा। तो बेसिकली मैं 390 का जो स्टॉक है वो नहीं इंस्टॉल कर रहा हूँ, क्योंकि भाई 390 का बहुत महंगा है। ये है ड्यूक 250 का, तो वही वाला अभी कुछ दिन के लिए इंस्टॉल करूँगा, उसके बाद देखा जाएगा। तो भाई देख ही सकते हो, ये देखो एकदम खुल चुका है, ठीक है, ये वाला फिट। और काम कर रहा है भाई सारा, ये देखो अभी ठीक है जी, नाटक लग जाएगा, ठीक है। अभी लगने जा रहा है ये वाला, अभी देखता हूँ इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। इसका तो भाई एकदम घटिया रहा ब्रैम्बो का, अब इसका ही देखता हूँ। चलो इसका भाई एक्सपीरियंस एकदम घटिया था, ठीक है, अब इसका देखता हूँ। भाई देख ही सकते हो क्लच, मतलब ये वाला जो लीवर एकदम प्रॉपर सेट हो चुका है। अभी इधर मतलब ऑयल वॉयल डालूँगा मैं तो भाई नहीं डालूँगा, डालेगा सारद। तो यही वाला सीन चल रहा है अभी। और अभी इसके बाद भाई फॉग लाइट भी इंस्टॉल होगा। तो अभी ये चला गया भाई ऑयल, ভালো না টাইট হচ্ছে
बकेट खुले देखिए तो बोलते हो ना भालू ही तो भाई इस साइड का जो प्रोसीजर मतलब ये जो देख ही सकते हो एकदम कंप्लीट। अभी भाई ब्रेकिंग तो हो गई। इंद्रनिल्दा अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो भाई ये देखो अब तुम मेरा बाइक चलाओगे ना, ये देखो ये देखो। तो और भाई इस साइड का भी काम चालू हो चुका है और भाई फुल पावर हर जगह भाई काम चल रहा है, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट मतलब ये क्लच लीवर भी भाई खुल चुका है, ठीक है। ये वाला ये देख ही सकते हो इधर का, और इधर भी भाई स्टॉक इंस्टॉल कर दूंगा। देखो भाई क्या हो गया बाइक का, अरे छी। और अभी ये वाला इंस्टॉल होगा, ठीक है। तो भाई देख ही सकते हो इधर एक ये वाला पार्ट एकदम खुल चुका है, ठीक है। और भाई बाइक कैसा लग रहा है भाई देखो। बेसिकली ये खुलने का जो रीज़न है वो है कि इधर से मतलब जो क्लच स्विच का पार्ट इधर मतलब अटैच करना है, दैट्स व्हाई ये खोला गया है। और भाई फॉग लाइट, ये वाला फॉग लाइट इंस्टॉल करूँगा, ठीक है। ये इसको इधर ऐसे, और बाइक थोड़ा बहुत मतलब बाइक जितना हो सकता है मुझसे भाई रेडी कर रहा हूँ धीरे धीरे राइड के लिए। तो यही वाला बात है। बाइक का कंडीशन अब एक बार देख लो, एकदम खुला खुला सा, ये देखो एकदम मतलब बंगाली में इसको बोलते हैं भाई हार कंकाल, लेकिन हिंदी में क्या बोलता है एक्चुअली मुझे ठीक ठाक से पता नहीं। तो लेकिन भाई ये बाइक भी आज नंगा हो गया, और इधर हमारा मैकेनिक साहब काम कर रहा है, ठीक है। मैकेनिक साहब कुछ बोलने का है आपको, कुछ बोलोगे? कैसा लग रहा है बाइक का काम करते, बाइक का काम करके कैसा लग रहा है? अभी तो भाई क्या बोल रहा था अभी, मतलब कुछ देर पहले गाली वाली दे रहा था आप। फॉग लाइट के लिए क्लैम इंस्टॉल चल रहा है। तो गाइस यार देख ही सकते हो ये वाला फॉग लाइट इंस्टॉल हो चुका है, अभी बस कनेक्शन बाकी है। तो फिलहाल ऐसा लग रहा है, ठीक है। और देखता हूँ बाद बाकी कनेक्शन देने के बाद दिखाता हूँ आपको। अभी इधर होगा इंस्टॉल। तो गाइस देख ही सकते हो फॉग लाइट इधर भी और इधर भी एकदम प्रॉपर से इंस्टॉल हो चुका है, और इधर पे स्विच इंस्टॉल हुआ है, और अभी बाइक हो गया ऑन। और ये देखो लाइट कैसा है ना है भाई, मैं रात के टाइम आपको दिखा दूंगा कि लाइट कैसा आ रहा है। तो बाकी सब बढ़िया है, अभी सीन तो यही है। तो सोचा कि एक बार फिल्टर का कंडीशन देख लेता हूँ, डैट्स व्हाई फिल्टर भी एक बार मतलब चेक कर ही लेता हूँ। तो वेयर इज फिल्टर भाई, देख लो एक बार फिल्टर का कंडीशन, ठीक है। ये तो भाई चेंज करूँगा, फिर से खर्चा बढ़ गया यार। तो भाई बाइक का सब कुछ मतलब एकदम ए टू जेड सब कंप्लीट हो चुका है। ये रहा बाइक, फॉग लाइट इंस्टॉल हो गया, इंजन ऑयल चेक हो गया, सब कुछ एकदम प्रॉपर से रेडी हो गया बाइक। अब मतलब बाइक पे थोड़ा बहुत ही काम है, थोड़ा बहुत बोले तो सिर्फ टॉप रैक मुझे मतलब टॉप रैक इंस्टॉल करना बाकी है, और मोबाइल होल्डर, देन आई एम रेडी टू गो मतलब राइड पे जाने के लिए। बाइक एकदम चकाचक हो गया। ये रहा बाइक एकदम चकाचक, हैंड कट भी सेटअप कर लिया। तो वही वाला सीन है। तो चलो एकदम मोटो ब्लॉगिंग मोड पे मिलता हूँ। ओके तो भाई वीडियो एडिट करते करते मुझे पता चला कि मतलब इसके पहले जो पार्ट आपने देखा उस पार्ट पे माइक प्रॉब्लम या फिर क्या हुआ मुझे पता नहीं, साउंड नहीं आया। तो दैट्स व्हाई भाई पूरा वीडियो ख़राब हो गया इन मोमेंट पे। तो इसीलिए भाई ये वीडियो मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दो, और अगर चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर लो। और क्या भाई, बंदा मेहनत कर रहा है तो थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। तो वही वाला बात है अभी। तो मिलता हूँ और एक दिन दूसरा कोई वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय बाय।